हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है भवानी सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय बीएस कैलावत। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आरबीएसई का सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और पेपर पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया था। आज की जो क्लास है वो मैं सीबीएसई के पेपर का इंट्रोडक्शन और उनके सिलेबस का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि नेक्स्ट क्लास जो होगी वो सीबीएसई के पेपर पैटर्न के बारे में होगी। एक छोटी सी क्लास है सिर्फ, जिसमें मैं पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं। ये जो क्लास है वो आरबीएसई और सीबीएसई दोनों इंग्लिश मीडियम के लिए है और हिंदी मीडियम की जो क्लासेस होगी वो बिल्कुल सेपरेटली चलेगी और दोनों के वीडियो आपको अलग अलग मिल जाएंगे। ओके, आज हम देखते हैं कि सीबीएसई का जो सिलेबस पैटर्न है वो कैसा है और उसका जो पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने सेक्शन से पेपर में और कितने मार्क्स का आपका पेपर होता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि टोटल मार्क्स जो होता है फिजिक्स का जो पेपर है, टोटल मार्क्स वो 100 मार्क्स का पेपर है जिसके अंदर 70 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर हो जाएगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। जो 70 मार्क्स का जो आपका मेन पेपर जो होगा उसके अंदर जो पेपर पैटर्न है वो कैसा है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल मार्क्स जो हैं वो आपके 70 मार्क्स का पेपर होता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 37 क्वेश्चंस होते हैं। मैंने आपको बताया था कि आरबीएसई में ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, उसमें 30 क्वेश्चंस थे और 56 मार्क्स का पेपर था। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सीबीएसई के क्वेश्चन पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। इसमें सबसे पहले इस सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में चार सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सबसे पहले अपन सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है और उसके अंदर 20 क्वेश्चंस भी होते हैं। हर एक क्वेश्चंस का एक मार्क्स होता है और ये 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्वेश्चन के पैटर्न भी तीन टाइप के होते हैं। उसमें 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के होते हैं। तो यहां पर आपके सेक्शन ए जो होता है वो 20 मार्क्स का हो जाता है। अब हम मूव करते हैं सेक्शन नंबर बी पर। तो टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 7 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन हैविंग अ 2 मार्क्स, जो 14 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो जाता है। सेक्शन सी जो होता है उसमें भी 7 क्वेश्चन होते हैं और 3 मार्क्स ऑफ ईच होता है, तो 21 मार्क्स का आपका सेक्शन सी हो जाता है। और लास्ट जो सेक्शन है उसमें ऐसे टाइप्स क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सेक्शन डी है। उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो 15 मार्क्स वहां से हो जाते हैं। तो टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 20 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 15 70 हो जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 20 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 3 37 हो जाएंगे। ये जो मैंने आपको बताया है ये सीबीएसई के बोर्ड के पेपर का पैटर्न है। इसमें टोटल 37 क्वेश्चन आते हैं और ये 70 मार्क्स का होता है। अब इसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीबीएसई के अंदर टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं और हर यूनिट जो है वो कितने मार्क्स की है, उसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अभी तक मैंने आपको जो बताया था वो मैंने आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताया था कि पेपर किस तरह से आता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और कितने पेपर के अंदर कितने सेक्शंस आते हैं उसके बारे में मैंने आपको भी बताया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं सीबीएसई के सिलेबस पैटर्न के बारे में। और इस सेशन 2020-21 के अंदर कुछ माइनर सा चेंज भी हुआ सिलेबस के बारे में, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। और इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं और जो यूनिट्स की मार्किंग स्कीम है वो क्या है। तो सबसे पहले हम इस सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो 9 नंबर ऑफ यूनिट्स है और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर है वो 14 चैप्टर्स है। अब बात कर लेते हैं अपन फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो आपकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आपके पास दो चैप्टर्स होंगे। एक हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज और चैप्टर नंबर सेकंड हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होगा इसमें हम स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट ये पढ़ेंगे और इसमें मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड है
और आपके पास गाउस लॉ और की थ्योरम्स है, और इस चैप्टर नंबर सेकंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है और कैपेसिटेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन है। यूनिट नंबर जो सेकंड जो आपकी है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर थर्ड और जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम जो पढ़ेंगे बेसिक करंट्स के बारे में डिटेलिंग पढ़ेंगे और हम करंट के सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर थर्ड जो है, यूनिट नंबर जो थर्ड है वो है आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। और यूनिट नंबर थर्ड में दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर फोर एंड चैप्टर नंबर फाइव। चैप्टर नंबर फोर जो है वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और चैप्टर नंबर फाइव जो है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मींस चैप्टर नंबर फोर जो है, जब कोई भी चार्ज मूव करेगा तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, उसके बारे में चैप्टर नंबर फोर है। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान लेंगे तो फिर एक चैप्टर जो है वो अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस कारण है, और उनके जो मेनली जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं, और मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कौन कौन से हैं, वो चैप्टर नंबर फाइव में हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर जो फोर है उसका नेम जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इस यूनिट नंबर फोर के अंदर दो चैप्टर है, चैप्टर नंबर सिक्स एंड चैप्टर नंबर सेवन। चैप्टर नंबर सिक्स है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और चैप्टर नंबर सेवन है वो है अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड किसी क्लोज सर्किट में कैसे करंट को प्रोड्यूस करेगा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मीन्स ड्यू टू अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज सर्किट के अंदर करंट का प्रोड्यूस होना, यह कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यू कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसका जस्ट रिवर्स है। इस चैप्टर नंबर फोर के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और चैप्टर नंबर सिक्स के अंदर अपन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से करंट को एक क्लोज सर्किट के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, और इसी को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। चैप्टर नंबर सेवन जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है। अभी तक अपन डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ते हैं, और ये मान लो कि आपका एक चैप्टर का लास्ट सेक्शन है या यूनिट नंबर फोर का लास्ट सेक्शन है अल्टरनेटिंग करंट, वो करंट जिसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर फाइव जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या इसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर एट, वो है ईएम वेव। आरबीएससी के अंदर ये चैप्टर जो है वो सबसे लास्ट में दे रखा है, और इस चैप्टर को सबसे लास्ट में भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपको ऑप्टिक्स में बाद में अगर हम पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा आसानी से वो चीज समझ में आती है, क्योंकि चैप्टर जो आपकी रे ऑप्टिक्स है उसमें हम लाइट को रे मानते हैं, और चैप्टर नंबर और जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें हम वेव मानते हैं, तो लाइट का ड्यूअल नेचर हो जाएगा। और तो इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर सिक्स है वो है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स हमारे पास दो हो जाएगी, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को रे की फॉर्म में मानेंगे, इसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। मींस लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट करती है, और उसके बारे में हम चैप्टर नाइन में स्टडी करने वाले हैं। और इसमें हम चैप्टर नंबर टेन जो है वो है आपके पास वेव ऑप्टिक्स, ये चैप्टर नंबर नाइन है, ये न्यूटन साहब ने लिखी है, और चैप्टर नंबर टेन जो है वो हाइगेन के सिद्धांत पर या हाइजन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है पूरा का पूरा, जिसमें लाइट को वेव की फॉर्म में माना गया है। यूनिट नंबर सेवन जो है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स। तो इसमें हम लाइट के ड्यूअल नेचर या रेडिएशन के ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, और मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर्स वेव क्या क्या हो सकती है। यूनिट नंबर सेवन में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर इलेवन, जिसका वही नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स। और उसके लास्ट में यूनिट नंबर एट जो है उसका नेम है एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई में दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 12 जो है वो आपको एटम के बारे में पढ़ना है, और चैप्टर नंबर 13 जो है वो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। और यूनिट नंबर जो नाइन जो आखिरी यूनिट है वो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, और उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, वो है आपके पास सेमी कंडक्टर डिवाइसेस और सिंपल सर्किट या कम्युनिकेशन सिस्टम आप इसको कह सकते हो, वो आपको लास्ट यूनिट में पढ़नी है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, तो उसके बारे में बात कर लेंगे
यूनिट नंबर फर्स्ट और सेकंड कंबाइन होने के बाद 16 मार्क्स की बनती है, यूनिट नंबर थर्ड और फोर्थ 17 मार्क्स की है, यूनिट नंबर फाइव और सिक्स 18 मार्क्स की है, और यूनिट नंबर सेवन और एट 12 मार्क्स की है, और यूनिट नंबर नाइन जो है 7 मार्क्स की है। ये सब मिला के 70 मार्क्स का हो जाता है। ये आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस था, और ये मैंने आपको मार्किंग स्कीम भी लिख दी है कि कौन कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। अब सबसे पहला चेंज जो हुआ है वो हुआ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट जो है वो सिलेबस के अंदर एड किया गया है। जो चैप्टर यूनिट नंबर जो 7 है या चैप्टर नंबर 11 जो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वेव्स के अंदर जो आपको फोटो इलेक्ट्रिक के एक्सपेरिमेंट को एड किया गया है, और एक जो टॉपिक एड हुआ है वो हुआ एवरेज एंड मीन लाइफ। एवरेज एंड मीन लाइफ जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 8 और चैप्टर नंबर 13 के अंदर न्यूक्लियाई के अंदर इस टॉपिक को एड किया गया है। तो ये जो था ये पूरा का पूरा सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन था, नंबर ऑफ यूनिट्स और चैप्टर्स के बारे में आपको बता दिया गया है, कौन कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है वो बता दी गई है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप ये इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो अच्छे से आप पढ़ लीजिए, और नेक्स्ट क्लास से हम जो आपका सिलेबस है वो सिलेबस हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।